नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। वरिष्ठ अकाली नेता एवं राज्यसभा सदस्य बलविंदर भुदड़ का बयान। भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा शिरोमणि अकाली दल। अकाली दल कार्यकर्ताओं को बैठक को संबोधित करने पहुंचे भुदड़। भाजपा नेताओं के अकेले चुनाव लड़ने पर और उनके बयानों पर जताई अनभिज्ञता। न सुभाष बराला और न ही किसी अन्य भाजपा नेता ने दिया अकेले चुनाव लड़ने का संबंधी बयान। बोले भुदड़, भाजपा लोकसभा चुनाव में दिया था बिना शर्त समर्थन। विधानसभा में सम्मानजनक सीटों के साथ गठबंधन होना तय। शिरोमणि अकाली ने कई दल को कई राज्यों में सक्रिय किया। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। वरिष्ठ अकाली नेता एवं राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह भुदड़ ने कहा है कि पार्टी शिरोमणि अकाली दल हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने बिना किसी शर्त के भाजपा को समर्थन दिया था। उस समय भाजपा के अध्यक्ष ने विधानसभा में उन्हें सम्मानजनक सीटें देने की बात कही थी। बलविंदर भुदड़ आज सिरसा में अकाली दल कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर के आयोजित इस बैठक में कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से निर्देश दिए और चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए बलविंदर भुदड़ ने कहा कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ने के बयान उन्होंने कभी नहीं सुने हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ मिलकर ही वह चुनाव मैदान में उतरेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अकाली दल पंजाब से बाहर पहले से ही सक्रिय है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने सदैव मजबूत प्रदर्शन किया है। उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उनकी कई पार्टियां, चाहे जितनी भी हो, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक बनते रहे हैं। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि अकाली दल और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा में दोनों दल की साझी सरकार बनेगी। ये श्रोमणी अकाली दल मीडिया कर रहा है तो बड़ी पुरानी पार्टी है, लगातार काम चलता रहता है। हम साड़ी अकाली दल की है नवी चोड़ों वास्ते प्रधानगी वास्ते जो विधानक तौर पर कानून होंगे पार्टी प्रेजेंट सारी पार्टी बनाई होंगी है तो भर्ती शुरू हो रही है। एक तो भर्ती वास्ते एक पिंड लैवल तक संगठन को मजबूत करने वास्ते जोड़ा आने वाले समय चोना है जो साडा पिछले पार्लीमेंट बीजेपी के अकाली दल समझौता चल रहा है वो मुताबिक असं तकड़े होकर लड़ सकी। अब जी तैयारी किनिया सीटा वो तो जो पार्टी प्रधान दोनों बैठ के गल करे उस वे फैसला होगा, लेकिन जिते जिते पार्टी का असर है जो पहले दिन जो काम करते उसे असं अपना काम करी जाने पार्टी मजबूत करने वास्ते। असं जो मंगने की गल नहीं जिते कि प्रभाव है जित सकते हैं बह के डिस्कस करा। नहीं जो है साडा पार्लीमेंट साडा यही वादा हुआ सी कि इस वे असं बगैर किसी शर्त बद करते असैम्बली जिदा जायज हक होगा उन्ना एडजस्टमेंट होगी। बीजेपी के प्रधान जी ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने यह गल कही सी वो मुताबिक असं रल के लड़ा भी चलो। बीजेपी का यह कहना है कि कोई पंजाबी बेल्ट नाल लिंक नहीं होंदा, सारा ही हरियाणा जिहड़ा हैगा वो साडे वास्ते इक है। इस करके जिथे किते साडे कोल विनिंग कैंडिडेट होणगे बह के डिस्कस करांगे उत्थे आपस में बह के गल हो जाएगी। अगर बीजेपी गठबंधन नहीं करती अकाली दल ना की अकाली दल पर कल चुनाव मिलेगी ये जो तो सवाल ही कोई नहीं तो गलबात हो ही नहीं किसी ना नहीं की थी। तो अपनी आप का तू क्वेश्चन ना पैदा करो जो पिछे पार्लीमेंट जो सा चल रहा सा उस तरह ही अगे जाके अगला असेंबली चोन साडा वही होगा। साहब अगर सम्मानजनक सीटा बीजेपी के गठबंधन के बाद नहीं मिलती क्या अकाली दल अकेले चुनाव ले रहे अज ये गल सोचो भी लोड़ की कोई गल ही नहीं ऐसी दोनों पास मित्रता गल चलती एक दूसरे को स्वीकार करता सत्कार करता उत्तरांचल तो लैके पंजाब तक साढ़े समझौते है चलते हैं हमेशा बड़े पुराने चलते हैं। इस करके कोई शायद ही नहीं पता अभी तक होया।
ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਸਕਸ਼ਮ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 75+ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਿਖਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿਖਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਤਰਾਂਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਂਚਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ MLA ਬਣਦਾ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲੜਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋਗੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ? ਜ਼ਰੂਰ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।